हेलो स्टूडेंट, सॉरी लेट वीडियो अपडेट हो रहे हैं बिकॉज़ मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बड़ी बड़ी वीडियो थी और वो अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो 15 मिनट से बड़ी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं अभी फ़िलहाल, और छोटी छोटी वीडियो में हम टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है, थ्री टाइप के ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहला है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, एडिशन बहुत सिंपल होता है। जैसे ए हमारी कोई मैट्रिक्स है और बी हमारी कोई मैट्रिक्स है, से A11, A12, A22, A21, B11, B12, B21 एंड B22। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं। देखिए आप देख रहे हैं ये 2x2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम है, दिस मे बी 3x3। तो एडिशन के लिए कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट, ए प्लस बी विल व्हाट, जो ए प्लस बी आएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऐड विद फर्स्ट, सेकेंड विद सेकेंड, थर्ड विद थर्ड एंड फोर्थ विद फोर्थ। सिंपल, फर्स्ट एड विद फर्स्ट, दिस इज A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, सेकेंड एड विद सेकेंड, थर्ड एड विद थर्ड, हेयर A21 प्लस B21, सिमिलरली A22 प्लस B22। इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, और जैसे हम ऐड किए करते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट विद फर्स्ट, दिस इज A11 माइनस B11, हेयर A12 माइनस B12, एंड दिस इज A21 माइनस B21, A22 माइनस B22। इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब इनका ऑर्डर सेम होगा। मैंने नोट में लिखा भी है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर मस्ट बी सेम। मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, रो और कॉलम। तो जितने रो और कॉलम इस मैट्रिक्स में हैं उतने ही इसमें होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अदरवाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है एडिशन इज कमोटेटिव, एडिशन सो कमोटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये तो आपको पता ही होगा, कमोटेटिव का मतलब होता है ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो दोनों सेम ही आते हैं, यानी एडिशन में हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, बट ऐसा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता स्टूडेंट। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर ऑफ नॉट ऑफ सेम ऑर्डर। जैसे मैंने कहा, अगर सेम ऑर्डर के नहीं है तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, उनको हम एग्जिस्ट नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, क्या इनका एडिशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? ए मैट्रिक्स को अगर हम देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं 2 रो 2 कॉलम है, बट इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम है, इसीलिए इनका एडिशन नहीं हो सकता है और ना ही इनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है और मुझे फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। व्हाट विल ए प्लस बी? वेरी सिंपल, अभी मैंने बताया स्टूडेंट, ए प्लस बी का मतलब क्या बताया मैंने अभी, फर्स्ट एलिमेंट ऐड विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, हेयर 3 माइनस 2, माइनस है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7। इसी तरह आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ए माइनस बी। अब मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, सो 2 माइनस 1 दैट इज 1, 4 माइनस 3 अगेन 1, 3 माइनस 2 माइनस ऑलरेडी है माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 5, हेयर 2 माइनस 5 माइनस 3। इस तरह हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है किसी मैट्रिक्स को, इसका मतलब होता है कि उसकी मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से होगी। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहां एग्जांपल दिया, एक
मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट 3a माइनस बी. व्हाट इज 3a माइनस बी? 3a मतलब a को, a के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है. करिए मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, देन माइनस बी. एंड व्हाट इज बी? बी इज 1 3 माइनस 2 एंड 5. अब सबट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो दिस विल व्हाट, 6 माइनस 1 5, 12 माइनस 3 9, 9 माइनस माइनस ऑलरेडी है 11, 6 माइनस 5 1. सो फाइनली दिस इज द आंसर. इस तरह से आप इसको एड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको. सपोज ये प्रॉब्लम आती है सिंप्लीफाई, वेरी सिंपल. स्टूडेंट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखिए जरा फटाफट से. अभी उसने क्या बोला है हमें, इनको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं. तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर क्या दिया हुआ है. पहले कॉस पूरी मैट्रिक्स के बाहर है, मतलब कॉस की सबसे मल्टीप्लाई होने वाली है. दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, हेयर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, हेयर ऑल्सो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा. सिमिलरली इधर साइन की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा हेयर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा, दिस विल साइन स्क्वायर थीटा. अब मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूं. अभी मैंने बताया स्टूडेंट हाउ टू ऐड, फर्स्ट ऐड विद फर्स्ट. सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. आप देखेंगे क्या है, साइन कॉस, साइन इंटू कॉस, हेयर माइनस साइन कॉस, साइन कॉस प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या आने वाला है जीरो. सिमिलरली माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस विल ऑल्सो जीरो. ये इसमें ऐड होगा, तो स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. एंड यू नो व्हाट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट, वन. दिस इज जीरो, जीरो एंड वन, वन जीरो जीरो वन, ऑल्सो नॉन एज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है. इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर स्टूडेंट कहीं भी मैट्रिक्स के अंदर आई लिखा है, इसका मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1. ये आई 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार हम. आई 2 का मतलब होता है स्टूडेंट 2 रो 2 कॉलम. अगर कहीं आई 3 लिखा है, आई 3 ऐसे लिखा हुआ है या नहीं भी दिया हुआ है, 3x3 की मैट्रिक्स लेनी है, तो इसको कंसिडर करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये हमारी आई होती है. बट अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. इसी पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड एक्स एंड वाई. ये दो इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स की फॉर्म में. आप लोगों ने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी हुई है. क्या गिवन है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई. स्टूडेंट एक्स प्लस वाई कितना है, दिस इज 7 0 2 5, एंड एक्स माइनस वाई इज वॉट, दिस इज 3 0 0 3. मुझे फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई, वेरी सिंपल. 10th क्लास आपने पढ़ी है बाय एलिमिनेशन मेथड. अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, वाई कैंसिल, दिस इज एक्स प्लस एक्स 2x. फाइनली 2x विल व्हाट, फर्स्ट ऐड विद फर्स्ट 10, दिस इज 0 2, एंड दिस इज 8. एंड फाइनली व्हाट इज एक्स, एक्स विल व्हाट, ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो सारे एलिमेंट डिवाइड हो जाएंगे. कितना आया, 5 0 1 एंड 4. इस तरह x आ गया हमारा. अब x की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए. सो दिस इज व्हाट, y विल व्हाट, y विल, x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 0 2 5 माइनस x, x इज व्हाट, 5 0 1 4. सबट्रैक्ट करिए स्टूडेंट, y इक्वल टू व्हाट, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1. फाइनली दिस इज द आंसर. ये हमारा x हुआ, ये हमारा y हुआ. इसी तरह से आप इसको और इसको दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं. इसी टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन और है, फाइंड x y z. ये सब फाइंड आउट करना है स्टूडेंट. देखिए मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो उसी पे और एडिशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है ये. हमें फाइंड आउट करना है बच्चे एक्स वाई जेड एंड टी, और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है. देखिए 2 बाहर मल्टीप्लाई दे रखा है, तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. सो व्हाट विल दिस,
ये बन जाएगा 2x, दिस विल 2z, हियर 2y एंड 2t, और प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 3 माइनस 3 0 6 इज इक्वल टू, अब इधर 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, इसको इसमें ऐड करिए, सो 2x प्लस 3, हियर 2z प्लस माइनस 3, दिस इज 2y प्लस 0 मतलब 2y, दिस इज 2t प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट, 9 15 12 एंड 18। स्टूडेंट टू मैट्रिक्स हमारी इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो रखिए इसको जरा, इसको इसके इक्वल, दिस इज 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 एंड 2y इक्वल टू 12, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। इस तरह आप यहां से x, y, z, t निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 3.2 के ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट। बहुत जल्द एक और वीडियो आने वाला है, उसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू।